नहीं, वो सलमान ने एक सॉन्ग किया था तुझे अक्सा बीच घुमा दूँ, उसने सिर्फ बोला था मैंने अपने हीरोइन को लेके आ गया यार घुमाने के लिए, हाँ मैं बोला मैं जाके वहाँ पे अक्सा बीच में शूट करता हूँ। इसका बाप बहुत कमीना होता है, मेरा बच्चा को और मेरे दोस्तों को उठा के लेके जाता है यहाँ से, और फिर मैं भी उसके साथ में बहुत आरामी पना करता हूँ। उसके 200 करोड़ रुपए में से 120 करोड़ रुपए मैं हड़प लेता हूँ। ये एक्चुअली एक टर्निंग पॉइंट है हमारी मूवी का, वो हमारा बच्चा अचानक से हमें गार्डन में बैठे हुए हैं और हमारा बच्चा हमें दिखाई नहीं देता, तो आपको जाहिर सी बात है जब माँ बाप को अपना बच्चा नहीं दिखाई देता तो कोई भी परेशान होता है, बस वही परेशानी आपने हमारे चेहरे पे देखी है और बस हम बच्चा ढूंढने की कोशिश में हैं, अभी बच्चा ढूंढ ही रहे हैं, मिला नहीं अभी। ये हमारी आपस की मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वैसे भी हम अच्छे दोस्त हैं, ऐसा कुछ नहीं है, होते रहता, देखो घर घर रिश्ते की बात है, हम एक फैमिली की तरह काम कर रहे हैं और हम यहाँ पे कोई आर्टिस्ट बन के काम नहीं कर रहे, एक परिवार की तरह काम कर रहे हैं, परिवार में होता है खटपट होता है, बाद में हम एक दूसरे को सॉरी बोल के हमने मैनेज कर ली। और बाकायदा सर ने मुझे सॉरी बोला और मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने अपनी गलती मानी, और अभी हम साथ में काम कर रहे हैं तो प्रोजेक्ट वैसे भी मैंने उस दिन भी कहा कि मैं अधूरा नहीं छोड़ूंगी, वो तो कंप्लीट करना ही था और मैं बकायदा प्रोजेक्ट कंप्लीट करूंगी वाला, क्योंकि गलतियां तो इधर से है, तो प्रियंका से आकाश प्रियंका की गलतियां होती रहेगी तभी तो ये मूवी बन रही है। हीर रांझा को भूल पाए भूल पाए क्या जी? नहीं तो गौरी और विनोद को भी नहीं भूलेंगे। वैसा ही कुछ रखेंगे। एक्चुअली बहुत दिन हो गए हमारे पास ना स्टोरी, मतलब जितनी भी मूवी आती है उसमें कोई स्टोरी नहीं होती, स्टोरी मिस होती है, और जिस कहानी में स्टोरी होती है वो मूवी हिट होती है। पहले भी वही लोग थे, आज भी वही लोग हैं, बस फर्क ये है कि हम दिखाएंगे वो देखेंगे, तो इस मूवी से हम कुछ दिखाना चाहते हैं और लोगों को डेफिनेटली बहुत पसंद आएगा। हीर रांझा के ऊपर पाबंदी थी ना वो टाइम पे, हाँ, कोई संभालने वाला नहीं था, आज हमारे पास मीडिया है, आप लोग हैं, मीडिया के माध्यम से हम लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। आपके सवाल का जवाब, मैंने क्या कहा कि उस टाइम पे पुलिस नहीं होते थे, राइट, सिपाही होते थे, राजा होता था, इस टाइम पे पुलिस है। मेरा छोटा भाई आकाश एक्चुअली मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, उन्होंने मेरा नाम देना पसंद किया, मेरा छोटा भाई आकाश वही प्रोड्यूसर है पिक्चर के, उन्होंने कहा मैं अपना नाम मैं उस पर नहीं रखूँगा, आप अपने रखिए, मैं इसमें एक्टर हूँ और सिर्फ एक्टर का ही काम करता हूँ, प्रोड्यूसर मेरे छोटे भाई आकाश, फिल्म की जो मेरी उम्मीद है वो मीडिया है, मीडिया जितने लोगों तक पहुँचाएगी लोगों को वो चीज़ समझ में आएगी, तो थिएटर तक पहुँचेंगे लोग। मेरा कहने का मतलब है कि हर जब हम मूवी देखने जाते हैं तो हर कोई इंसान हीरो के रूप में खुद को देखता है, हीरोइन के रूप में लड़की खुद को देखता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस मूवी में ना हर एक जोड़ी, लव ट्रायंगल वाली जोड़ी या लव जो भी प्यार करता है, हर कोई विनोद को महसूस करेगा, आकाश को महसूस करेगा और एक प्रियंका में खुद को देखेंगे, क्योंकि ये जर्नल लाइफ स्टोरी है, हर किसी के लाइफ में ये गलतियाँ होती है और इस गलतियों से बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, और नो डाउट ये विनोद जी की अपनी कहानी है और बहुत अच्छे से उन्होंने लिखा है और हमारे डायरेक्टर ने उनको बहुत अच्छे तरीके से फिल्माया है। गाने 5 हैं, एक हम कर रहे हैं नेपाल, एक कर रहे हैं दुबई में, बाकी 3 करेंगे इंडिया, सोनू निगम जी है, सबाब साबरी है, फिर अपना जावेद अली जी है, हरियाणा से अपना अच्छे सिंगर है सब। वैसे तो स्टोरी में एक छोटा सा भी रोल होता है वो भी लीड देखा जाता है, क्योंकि उसकी इम्पोर्टेंस उतनी मजबूत होती है, अगर यहाँ पे कोई मेरे पिताजी का रोल कर रहा है या कोई नॉर्मल कर रहा है, हैरी जोश, हैरी जोश है पहले नंबर पे, हमारे डायरेक्टर साहब मासूम अली जी पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे हमारे हैरी भाई, मुश्ताक खान, शाबाज, सबने जितने भी लोगों ने इसमें अपना जो निभाया हो वो तहे दिल से अपना काम करके गए, फिल्म को पिक्चर समझा उन्होंने, और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ।